हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डैफोडिल ग्रीन ड्रीम्स। तो आज की वीडियो की शुरुआत इस खूबसूरत से जीनिया के खिले हुए फूल के साथ। ये फूल बिल्कुल ही सीड से खिलाया हुआ है। मैंने ही इसका सीड लगाया था अभी कुछ दिनों पहले, और देखिए आज ये खिल गया है। पिंक कलर का है ये, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। बिल्कुल छोटे से पॉट में लगा हुआ है ये, और इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हुई है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि मैं आज क्या शॉपिंग करके लेके आया हूँ अपने गार्डन के लिए। ये कोई भी ओवरव्यू वीडियो नहीं है, किसी प्लांट के ऊपर नहीं है, सिर्फ ये आज की शॉपिंग के बारे में है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ज़्यादा लंबा ना करते हुए। तो दोस्तों, ये रही मेरी आज की शॉपिंग। चलिए फिर मैं आपको धीरे धीरे करके एक एक पॉट का प्राइस और उसकी क्वालिटी दिखाना शुरू करता हूँ। ये थोड़ा से मैंने पॉट्स लिए हैं, सबका प्राइस अलग अलग है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये वाला पॉट देख रहे हैं आप, ये 8 इंच का पॉट है और ड्रेनेज होल है इसमें, ये देख सकते हैं। ये राउंड शेप का पॉट है, ऊपर से जितने भी पॉट से राउंड शेप के हैं ये वाले, ये सभी मुझे 50 रुपीज़ का ईच मिला है। काफ़ी हार्ड मिट्टी है, काफ़ी अच्छी मिट्टी है। देखिए नीचे ड्रेनेज होल कितना बड़ा है, इसमें से आपका पानी जाएगा। कुल 12-13 पॉट्स हैं ऐसे मेरे पास। और दोस्तों ये देखिए, ये राउंड था तो वैसा 50 रुपीज़ का दिया था, और इसकी शेप थोड़ी अलग है, कौन शेप में आए, और ये मुझे 55 रुपीज़ का पर पॉट मिला है। ऐसे मेरे पास कुछ 6 पहले से, ये एक और है मेरे पास, इसमें भी ड्रेनेज होल देखिए आप। और दोस्तों इस वाले पॉट की डिज़ाइन देखिए, इन सभी पॉट से अलग है। ये 2 लेयर्स का है, और दोस्तों ये थोड़ा कॉस्टली है, 80 रुपीज़ का पॉट है ये, 80 रुपये का दिया है, बट मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। ये कुछ 12-13 पॉट्स हैं मेरे पास। टेराकोटा के पॉट्स हैं सारे मिट्टी के। ये देखिए दोस्तों, एक ये मैंने स्टोन पे पेंटिंग की थी, ये आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों एक टब शेयर करूँगा मैं आपके साथ, ये वाला, ये भी पॉट ही है खैर, लेकिन टब शेप का पॉट है। ये देखिए काफ़ी अच्छा मटेरियल है इसका। और ये पॉट मुझे 200 का दे रहे थे, बट मैंने थोड़ी बार्गेनिंग की तो मुझे उन्होंने 150 का दे दिया। काफ़ी मोटा, इसमें आप सर्दियों में मिक्स फूलों के प्लांट्स लगाइए तो बहुत ही अच्छे लगेंगे इसमें, भरे भरे। और दोस्तों ये वाला पॉट देखिए, इसकी डिज़ाइन सबसे अलग है। उनके पास ये एक ही पीस था, मुझे और लेने थे बट मैंने ये फिर एक ही ले लिया। और दोस्तों इसका प्राइस है 80 रुपीज़, काफ़ी रीजनेबल प्राइस है इसका भी। तो दोस्तों ये सभी मेरे पॉट्स के प्राइस हो गए। ये 2 पॉट्स मैंने प्लास्टिक के लिए हैं, काफ़ी हार्ड मटेरियल प्लास्टिक है इसकी। ये देखिए तुलसी बिग डीडी, वर्ल्ड प्लास्ट कंपनी है इसकी। इसमें ड्रेनेज होल हमें करना पड़ेगा, इसमें दिए हैं, हमें 4 जगह दी हुई हैं। किसी भी स्क्रू ड्राइवर या फिर हार्ड मटेरियल से आप इसमें होल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा मटेरियल है। इसके पास 2 ही थे तो मैंने दोनों ले लिए, और इसका प्राइस भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सस्ता है, काफ़ी कॉस्टली नहीं है, सिर्फ 25 रुपीज़ का मुझे पॉट मिला है, 50 रुपीज़ के 2 हैं ये। और दोस्तों ये एक स्टैंड लिया है मैंने, ये
फीट का स्टैंड है ये, टेराकोटा का ही है मिट्टी का। इसमें टल्लियाँ सी लगी हुई हैं और काफ़ी इसके अच्छे डिज़ाइन है, काफ़ी पेंट हुआ है, कलरफुल है। इस पे आप, जैसे मैंने एक पॉट रखा हुआ है ये वाला, इस पे आप कुछ भी रख सकते हैं। और ये इसका प्राइस 600 था, बट ये काफ़ी बार्गेनिंग करने से मुझे उन्होंने 400 का दे दिया। काफ़ी सस्ता मुझे मिल गया तो मैंने ले लिया, और काफ़ी सुंदर भी है देखिए। जो भी मेरे भाई बहन लुधियाना से हैं, पंजाब से, जिसको भी ऐसे टेराकोटा की स्टैंड्स, पॉट्स या फिर कोई भी गार्डन डेकोर आइटम चाहिए, तो वो लुधियाना में ज्वाला सिंह चौक को क्रॉस करके जगतपुरी चौकी के आगे ASR पेट्रोल पंप है, बिल्कुल उसके सामने ही काफ़ी एक गार्डन शॉप है। मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, और वहाँ से आप ये सब ले सकते हैं। आप उनको व्हाट्सअप कर सकते हैं, और काफ़ी अच्छे अच्छे जो पॉट्स हैं या फिर डेकोर आइटम हैं गार्डन के, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। जैसे कि ये टर्टल, ये कुछ, ये भी मैंने वहीं से लिए हुए हैं, काफ़ी पॉट्स, और काफ़ी अच्छे अच्छे प्राइस में, रीज़नेबल रेट में वो भैया मुझे दे देते हैं। और दोस्तों एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये एक बर्ड हाउस है, ये भी मैंने आज ही बाय किया है, और ये काफ़ी सस्ता मिला है मुझे, 250 का बता रहे थे बट 150 का दिया उन्होंने मुझे। और काफ़ी इसमें स्पेस है, वुडन का बना हुआ है। इसके लिए मैं आपसे अलग से वीडियो शेयर करूँगा। तो दोस्तों ये रही मेरी आज की कुछ गार्डन शॉपिंग। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जिन जिन रेट्स में मैंने ये पॉट्स लिए हैं वो सभी ठीक हैं या फिर नहीं। तो चलिए फिर दोस्तों, मैं आपसे विदा लेता हूँ, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग।